दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला मामले में जेल जाने के बाद राजनीति से हमेशा दूरी बनाए रखने वाले सुनीता केजरीवाल राजनीति में अब अपने दिलचस्पी दिखा रही हैं। बता दें, सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं और एक IRS अधिकारी भी रह चुकी हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी इन पर भरोसा जता सकती है कि कयास लगाए जा रहे हैं सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, जिसे राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई है। बता दें, 29 मार्च को सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है और लोगों से संदेश भेजने की मांग की। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कई सारे वीडियो जारी किए थे, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को निर्दोष बताया और साथ में इस बात की जानकारी भी दी कि ED ने उनके घर से सिर्फ 73,000 करोड़ रुपए ही बरामद किए हैं। सुनीता केजरीवाल ने एक पोस्ट में जनता के संबोधन में कहा कि आपके मुख्यमंत्री आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, वो अंदर हो या बाहर, उनका जीवन देश के लिए समर्पित है। उन्होंने लिखा, जनता सर्वोच्च है और वो सब कुछ जानती है। सुनीता केजरीवाल से मिलने आपके विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री सभी मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां सुनीता ने अरविंद केजरीवाल के संदेश को आपके मंत्रियों और विधायकों तक पहुंचाया कि वो जेल जाने से ना ही चिंतित हैं और ना ही डरे हुए हैं, उनके इरादे मजबूत हैं। इससे साफ होता है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को सुनीता केजरीवाल के जरिए चलाएंगे। मंगलवार में हुई बैठक के बाद इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में वो आम आदमी पार्टी जनता के अंदर होने वाले राजनीतिक फैसलों में अहम भूमिका निभाएंगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली के दौरान सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और केजरीवाल द्वारा जेल से भेजे गए पत्र को जनता को पढ़कर सुनाया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सत्ता अपने हाथों में लेती हुई नजर आ रही हैं।